हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय चैनल। देखिए, हमने कुछ मसाले निकाले हुए हैं। दो टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं, आठ लहसुन की कलियां ली हुई हैं, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च। इन सबको हम खंजड़े में डालकर पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो सिल पर पीस सकते हैं, सिलबट्टे से, या खंजड़े में पीस लें। हमने देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, सोयाबीन डाल दी हमने। सोयाबीन को पहले ही से भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले, जिससे हमारे सोयाबीन भीग गए हैं। इन हमने पानी निकाल के अच्छे से दाब दाब के इसका पानी निकाल दिया, और इसमें हम तेल में फ्राई करेंगे। हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए सोयाबीन का। देखिए, हमारे सोयाबीन फ्राई हो गए, इसे हम निकाल ले रहे हैं बाहर कढ़ाई से। हमने कढ़ाई में दोबारा तेल डाला हुआ है, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 चम्मच डाल दिया हल्दी, जो हमने मसाला पीसा हुआ था, लहसुन अदरक काली मिर्च जीरा, उसको डाल दे रहे हैं। इसे अब हम भूनेंगे 2 मिनट तक, जिसे इसका कच्चापन निकल जाए लहसुन अदरक का। देखिए, हमारा मसाला भूनने लगा है। इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे, 2 बड़े टमाटर हमने काट के रखे हुए थे, इसको हम डाल दे रहे हैं मसाले में। अब इसमें हम मिर्चा डालेंगे किसी हुई, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको तीखा पसंद हो, नमक स्वाद अनुसार। और इसे हम सब चीज़ों को मिला ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारा टमाटर गल जाए। हमने 4 हरी मिर्ची ली हुई थी, उनको भी काट लिया है। अब इसे हम ढककर रख दे रहे हैं, जिससे हमारा टमाटर गल जाए। देखिए, हमारे 5 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर गलकर तैयार हो गए हैं। इतना बेहतरीन मसाला बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके टमाटर गले ना, इसी तरह से फोड़कर आप अपने टमाटर की ग्रेवी बना सकते हैं। देखिए, हमारी ग्रेवी बनकर एकदम तैयार हो गई है। ग्रेवी इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, तो सब्ज़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार होगी। आप लोग भी अपने घर पर बनाइएगा, खा के देखिएगा, सबको पसंद आएगी। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। पानी इतना डालना है जितना आप अपनी सब्ज़ी में कम ज़्यादा रख सकते हैं। आपको ज़्यादा पतली पसंद हो पानी ज़्यादा डालिएगा, और कम पसंद है तो कम पानी डालिए। देखिए, हमने आलू उबाल के रखे हुए थे, उसे हमने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसमें अब हम सोयाबीन डाल दे रहे हैं। अब हम दोनों चीज़ों को आपस में मिला दे रहे हैं। देखिए, मनी सोयाबीन और आलू दोनों हमने डाल दिए हैं। ये कितनी बेहतरीन सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। रसीली आप इसे पूड़ी के साथ, पराठों के साथ या कचौड़ी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। साथ में अगर जीरा राइस मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हरा धनिया डाल दे रहे हैं, कितनी बेहतरीन लग रही है, मुँह में पानी आ जाए देख के। मेरी वीडियो